अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज हमारा जो व्लॉग है वो भी जावा के मुतालिक है। जैसे हमने कल किया था, हमने कुछ पट्ठों के बारे में बतलाया था कि भाई पट्ठे मर रहे हैं आपके पास, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मज़ीद आपको बेहतर बनानी है उनके लिए, तो मैंने आपको बतलाया था कि भाई दाने के बर्तन आप बढ़ाएँ और थोड़ा सा पानी वगैरह ये वो इन चीज़ों का आप एहतमाम करें। अच्छा, उसके बावजूद भी मर रहे हैं। मेरे पास भी ये देखें, आज ही एक पट्ठा मैंने मरा हुआ उठाया है। और ये जो हमने डब्बा रखा था हीटर का, जिसके अंदर हमने हीटर लगाया था, मेरी पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो मैं दिखा दूंगा, ये उसके अंदर जाके मरते हैं। मतलब ये है कि या तो इनको सर्दी लग चुकी होती है, ये लेट पहुंचते हैं वहाँ तक, या फिर ऐसा होता है कि ये कुछ, यानी कि समझ लें कि इसका जो भी पूरे तरीके से मुआयना करूँगा, इसके अंदर, इसके पोटे के अंदर खाना भी नहीं है। या तो ये भूख की वजह से मर रहे हैं या सर्दी की वजह से मर रहे हैं, ये दो बेसिक वजूहात हैं। तीसरा मुझे वो ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया, क्योंकि देखें मेरे पास जो और बहुत सारे जो बर्ड फार्मर्स हैं उनके पास ये जो मामलात हुए हैं ये हुए हैं इन्हीं महीनों के अंदर, ठीक है ना। बाकी ब्रीड फिर भी मुनासिब आती है, लेकिन जो सर्दी की ब्रीड है वो ब्रीड नहीं बच पाती। अच्छा, इसके लिए मैंने बतलाया भी था, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने शायद एक ही बंदा शायद ऐसा था जिससे मैंने सुना था यूट्यूब पर ही, वो कह रहे थे कि सर्दी में जावा को रोकना चाहिए। बोला गर्मी में आप ब्रीड लो लेकिन सर्दी में इसको रोको। बोला सर्दी में ये, यानी कि ठंड की वजह से, बोला अगर आपके पास मटकियाँ लगी हुई हैं तो बोला ये मटकियों के अंदर बैठे बैठे भी मर जाएंगे, मेल फीमेल। तो बोला सर्दी से आपने बचाना है, गर्मी से आपने, गर्मी में वो कह रहे थे, इनको उनका कहना था कि गर्मियों में इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप पानी दिन में 2 मरतबा रखो, 3 मरतबा रखो। बोला ये जिस तरह के मौसम में रहने वाला परिंदा है वो वो गर्म मौसम है, यानी कि जो जो इसका यूँ समझ लें असल रीजन है, ये गर्म इलाकों में रहता है परिंदा और पानी के जो तालाब होते हैं उनके नज़दीक रहता है। तो यानी कि यूँ समझ लो झीलें वगैरह हैं उनके नज़दीक नज़दीक ये परिंदे पाए जाते हैं। और बोला ये रोज़ाना नहाते हैं, यानी कि आप अपने पास भी या ब्रीड में जब आपके पास ये केजेस में लगे हुए हैं तो आप पानी रखें तो ये रोज़ उसमें नहा रहे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसका जो, इसको जो पसंदीदा मौसम है इसका वो गर्मी का ही है, सर्दी के मौसम के अतबार से ये परिंदा इतना ज़्यादा यूँ समझ लें कि बेहतर नहीं है। यानी कि जिन इलाकों में ये परिंदा पाया जाता है ना वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो आपने इसको सर्दी के लिए ही आपने इसको यूँ समझ लें कि आपने एक तरह से सेट करना है, ठीक है। अब उसमें होता ये, जो बड़े बर्ड्स हैं वो तो फिर भी किसी हद तक कुछ समझदार होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो बेहतर यूँ समझ लें कि सर्वाइव कर जाते हैं सर्दियों में। लेकिन जो नए चिक्स निकल रहे होते हैं, मसला होता है उनके साथ, वो चिक्स मरते हैं। अब हमारे पास देखें जो ये आज ये बर्ड है, इसका मैं करीब से भी मुआयना करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है और ये क्यों मरा है और कैसे मरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कैमरे को नज़दीक ले आते हैं। तो अभी बस ये देखें, ये कंडीशन है इस बर्ड की। अच्छा, इसका हम पोटा देख रहे हैं, तो पोटा बिल्कुल ये यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ हमें दाना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है ये इस जगह पर। ये देखें, ये बिल्कुल ये इसका पोटा खाली है, ठीक है ना। एक तो ये रीज़न हो गया कि इसने खाया हुआ कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं साफ़। मैं थोड़े से पर साफ़ कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल पोटा इसका खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, इस बर्ड को ये देखें, ये यहाँ से इससे थोड़ा बहुत इसको नोचा हुआ है, ठीक है ना, इसके परों को, यानी कि बड़े बर्ड ने इसको मारा भी है थोड़ा बहुत। एक तो ये रीज़न हो गया, सही है। अच्छा, दूसरा इसकी वेंट भी देख लेते हैं। वेंट से ऐसा लग रहा है कि ये हल्का फुल्का मोशन में आया है, ठीक है, हल्का फुल्का, यानी कि ये पानी जैसा जो सा ना मोशन वगैरह करने लग जाते हैं। तो और ये गालिबन इसी, यानी कि कल रात में ही मरा है, जिसकी आंखों से लग रहा है, क्योंकि जब कोई बर्ड मरता है तो अगर 24 घंटे गुजर जाएँ तो उसकी आँखें बिल्कुल अंदर चली जाती हैं, सूख जाती हैं। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि ये बर्ड को मरे हुए ज़्यादातर ये कल रात में ही मरा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2-3 चीज़ें हमने देखी कि एक तो ये है कि भाई ये पोटा ऐसा खाली था, दूसरा ये वज़न में ये हल्का हुआ है, ये इसकी जो हड्डी है सीप जिसको हम कह देते हैं वो सीप निकली हुई। अब जैसे आप अभी ऐसे चेक करेंगे ना तो आपको इसके ऊपर गोश महसूस नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल हड्डी महसूस हो रही है यहाँ पर। तो मतलब ये है कि ये परिंदा, इसकी मरने की एक वजह
जो मुझे लग रही है वो ये है कि ये भूखा था, ठीक है। उसकी एक निशानी है नज़र आ रही है कि इसको पेरेंट्स या दूसरे बर्ड्स इसको मारते रहें, ये थोड़ा सा इसको गंजा किया हुआ है, ये इसके पर नोचते रहें, ठीक है। तो इसके हमने जो बताया था कि इसके लिए आपको ये करना है कि आपने बर्तन दो रखने हैं, ठीक है ना, पानी के यानी कि दाने के लिए, ताकि उसमें ये ज़्यादा जगह में हो। और अब कल जब मैंने ये वीडियो डाली तो हमारे साथ ने असगर भाई उन्होंने कमेंट किया कि दो की जगह कम से कम चार बर्तनों में रखें आप, यानी कि जितनी ज़्यादा जगहों पे रखेंगे उतना ज़्यादा इन चिक्स के लिए फ़ायदा होगा, यानी कि ये अच्छे तरीके से अपना जो भी यानी खुराक है वो ले सकेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स ये इसका थोड़ा सा मुआयना करके दिखा दिया मैंने, अब आप भी अपने पास जो भी चिक्स निकल रहे हैं उनका मुआयना करें, ये देखें कि आपके यहाँ भी ये मसला आ रहा है। और जो एक शेड्यूल मैंने बतलाया था कि आपने 15 दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा इसको यानी कि फ्लैजल देना है, और यानी कि तीन दिन फ्लैजल देना है, तीन दिन पेनाडोल देनी है, एक दिन का गैप देना है बीच में, उसके बाद 15 दिन बाद आपने मेटाफ्लॉक्सिन देना है, ठीक है। इस तरतीब से चलाएं और मेडिसिन के साथ साथ जो इसकी ग़िज़ा का मसला है वो मसला आप हल करें अच्छे तरीके से, ताकि ये, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें देखें मुझे मेन नज़र आई हैं, एक तो ये है कि परिंदा भूखा है, ठीक है, दूसरा इसको दूसरे बर्ड ने मारा है। तो वो जो कल एक असद भाई एक बात कह रहे थे कि भाई जो केज बर्ड हैं उसके अंदर जावा नहीं मर रहा, तो ये दो बेसिक वजूहात जो नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि बड़ी एवरेज के अंदर जब बच्चे निकलते हैं तो उनको दूसरे मेल फीमेल उनको दाने के नज़दीक नहीं आने देते। अब उसकी देखें एक दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो दाना कम है इसलिए बड़े बर्ड जो है बच्चों को नज़दीक नहीं आने दे रहे, या फिर दाने का बर्तन छोटा है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों चीज़ों को यानी कि आप तरतीब से रखें। और मेरा असल में देखें जो बताने का ये मकसद होता है वीडियोज़ का, मैं को ये नहीं कहता कि यार जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस भी देखें, अपने इर्द गिर्द जो लोग जावा के ऊपर या दूसरे ऐसे बर्ड्स पे काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी देखें, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हम सीख रहे हैं, और सीधी बात है यार देखो कोई भी काम है हिम्मत हार जाने से तो कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं यार जावा नहीं कमा के देता, छोड़ो ख़त्म करो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि कोशिश करने वाले ही यूँ समझ लें कि कामयाब होते हैं। तो हम भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आज जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें कुछ ना कुछ मुझे ख़ुद भी सीखने को मिला है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ इसके अंदर से हासिल किया होगा। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, या साइड में रेड बटन है, ठीक है जी। और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।